One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. Combination है. उसके खिलाफ एक पूरे देश में आक्रोश है, एक पूरे देश में गुस्सा है. और इस क्राइम और करप्शन का जो कॉम्बिनेशन है, उसके चलते जो राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उनकी लगातार हत्याएं की जाती रही हैं. मैं जब युवा मोर्चे में था, उस समय भी लगभग 80 के दशक में, उस समय हम लोग जो है कुन्नूर जैसी जगहों पर, उस समय भी हम लोग कालीकट जैसी जगहों पर, उस समय भी हम लोग तमाम केरल के अलग अलग स्थानों पर जाते थे. और जब कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी, उनका जुल्म होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे. लेकिन अब जो है, इन पिछले वर्षों में इस पूरी तरह से ये जो एक अपराध है, ये जो आतंक है, वो अपराध उस समय तो अपराध हुआ करता था, और उस अपराध में आतंक का रूप ले लिया. और इस आतंक में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई. और उससे भी सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि हत्या होने के बाद, हत्याएं किए जाने के बाद, वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो उसको जो है न्यायोचित ठहराती रही, जस्टिफाई करती रही. आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. हम चाहते तो ये जिस तरह का कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का केरला में व्यवहार है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अराजक, वो एक मिनट में ये सरकार खादा दी जाती. अगर हमारी सरकार ऐसा कर रही होती और केंद्र में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन की सरकार होती, तो उसका क्या हश्र होता, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी है केरल की, और केरल में जो कुछ हो रहा है, वो क्राइम और करप्शन की का कॉम्बिनेशन है. और इस क्राइम और करप्शन के कॉम्बिनेशन के खिलाफ ये आवाज पूरे देश में उठी. देखिए, हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी ताकतों को चेतावनी भी दे रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं. देखिए, हम वो लोकतांत्रिक ढंग से कुछ भी करें, हम उनके खिलाफ नहीं है. माध्यम से वो उसकी जुगलबंदी करके अगर करेंगे, तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे. केरल में मासूम की मौत का जिम्मेवार कौन? केरल में मासूमों की मौत का जिम्मेवार कौन? केरल नरसंहार पर चुप्पी क्यों? केरल नरसंहार पर चुप्पी क्यों? टेम्पो थोड़ा धीरे रखें. बीजेपी आरएस कार्यकर्ताओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो. बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो. सभी कार्यकर्ता अपने मोबाइल और जेबों का कृपया ध्यान रखें. हम बहुत ही एक अच्छी संख्या में